वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे अपने बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, ठीक है। और जो अपन यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस देखेंगे वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ रहेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर और ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर, ठीक है। इन चार यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस हम देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर के लिए, ठीक है। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आई स्टडी ऑनलाइन पे जितनी भी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, चाहे आप बीकानेर से हो, चाहे आप जोधपुर से हो, चाहे आप कोटा से हो, चाहे आप अजमेर से हो, या चाहे आप उदयपुर से हो, या इन लिखी हुई चार यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, या हम ये कहें कि आप राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, तो आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर पढ़ सकते हो, क्योंकि आई स्टडी ऑनलाइन पे इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो कोर्स है वो सेपरेट यानी कि अलग अलग प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड उसको करें आप, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड करें, स्टोर के ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे आप, आपको सारे के सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, ठीक है। सारे के सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे जिसमें आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, सीकर वाली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, कोटा के लिए फर्स्ट सेकंड फाइनल, बीकानेर के लिए फर्स्ट सेकंड फाइनल, जोधपुर के लिए फर्स्ट सेकंड फाइनल, उदयपुर के लिए फर्स्ट सेकंड फाइनल, कहने का मतलब है इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज हैं वो अलग अलग आपको दिख जाएंगे। आपको ज्वाइन करने से पहले अपना सेशन देखना, आप सेशन 2021-22 के स्टूडेंट हो, मतलब आपकी एग्जाम 2022 में होनी है, तो आप ये सेशन देखकर ज्वाइन करोगे, सेशन देखोगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देखोगे, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने का एक छोटा सा अपना प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज है, जो लास्ट ईयर अगर आप आई स्टडी ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे थे तो लास्ट ईयर जो चार्ज था वो 99 रुपये था। इस बार काफ़ी जो अपना सिस्टम ग्रोथ हुआ, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के सेपरेट कोर्सेज करने पड़े, तो उसमें थोड़ा चार्ज अपना बढ़कर कितना हो गया, 121 रुपये हो गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि 9 पेपर्स के आपको 121 रुपये देने हैं, ठीक है, यानी कि पर पेपर आपके 12 या 13 रुपये की कॉस्ट आती है, ठीक है। एक पेपर की जो आपकी कॉस्ट होती है वो 12 से 13 रुपये की होती है, मतलब 12-13 रुपये में आपको एक पेपर मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, ठीक है, एग्ज़ाम आपकी जब भी ख़त्म हो तब तक के लिए आपके इन कोर्सेज की वैलिडिटी रहेगी, चाहे आप कितनी भी बार इनको पढ़ो, जितनी मर्जी हो उतनी बार आप इनको पढ़ो, ठीक है। ये वीडियोस आपके पास रहेंगे एग्ज़ाम ख़त्म होने तक मात्र 121 रुपये में, ठीक है। 121 रुपये आप कहीं भी ऐसे ही घूमने जाते हो, मतलब 100 रुपये मान, 100 रुपये नॉर्मल कैसे भी खर्चा हो जाता है, ठीक है, कहीं भी किसी भी, लेकिन 121 रुपये आपकी एक स्टडी का चार्ज है जिसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। 121 रुपये चार्ज इसीलिए रखा है, ज़्यादा ये लिस्ट से लिस्ट मिनिमम से मिनिमम चार्ज है, किसी भी प्लेटफॉर्म को हैंडल करने के लिए ये मिनिमम से मिनिमम चार्ज होता है, ठीक है। और इसीलिए प्रोवाइड, इस रेट में इसीलिए ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट एजुकेशन ले सके, ठीक है, पढ़ सके। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो और अब हम बात करते हैं अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, ठीक है। 9 पेपर मतलब आपको 3 मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने आई स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले भैया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, क्लासें भी आई स्टडी ऑनलाइन जो YouTube चैनल है वहाँ पे भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्जाम के हैं, एग्जाम फॉर्म के हैं, वो सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फाइनल ईयर में 3 पेपर आपके जो मैथमेटिक्स के होते हैं, उसमें नंबर 1 होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, बहुत ही शानदार पेपर होता है, बहुत ही अच्छा पेपर होता है, ठीक है। नंबर 2 पेपर होता है अपना कॉम्प्लेक्स, और नंबर 3 पेपर होता है अपना डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स,
जिसको कंप्लीट कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है मैकेनिक्स, या ये कहो मैकेनिक का पेपर होता है। इस पेपर आके आएंगे तब अपन और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, पहले इन दो पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इन चारों यूनिवर्सिटीज के लिए जो सिलेबस है वो यूनिट नंबर फर्स्ट जो कवर करेगा वो सबसे पहले होगा आपका ग्रुप थ्योरी का। नंबर दो होता है इसमें परम्यूटेशन ग्रुप का। नंबर तीन आता है इसमें आपका सब ग्रुप का, ठीक है। यूनिट नंबर दो आपकी जो कवर करती है उसमें पहला चैप्टर आता है आपका ग्रुप होमोमोर्फिज्म, यानी कि ग्रुप समाकारिता। नंबर दो चैप्टर इसमें आता है नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्योसेंट ग्रुप। ये दो चैप्टर आते हैं। यूनिट नंबर तीन जो आपकी कवर करेगी उसमें आएगा आपके जो चैप्टर आएगा वो मैं बता देता हूं आपको, रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा सब रिंग, वो आएगा सब रिंग का पार्ट। यूनिट नंबर चार जो आपका कवर करेगी उसमें आएगा आपका आइडियल, ठीक है, क्यूसेंट एंड पोलोनोमियल ग्रुप, पोलोनोमियल रिंग, क्यूसेंट एंड पोलोनोमियल रिंग। और नंबर पांच जो यूनिट होगी आपकी वो होगी वेक्टर स्पेस के ऊपर। ये टोटल आपकी पांचों यूनिट होती है, ठीक है। ये आपका रहता है अलजेब्रा का सिलेबस, ठीक है। और अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर लगभग अलजेब्रा का सिलेबस पूरा हो चुका है, मैकेनिक्स आपकी वहां चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स में आपको पूछा जाता है यूनिट नंबर एक में जो चैप्टर होते हैं आपके वो आता है आपका टोपोलॉजिकल प्रिमिलरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टोपोलॉजिकल प्रिमिलरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर दो चैप्टर इसमें आता है आपके, नंबर दो चैप्टर है एनालिटिक फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है, एनालिटिक फंक्शन, यानी कि विश्लेषिक फलन इसको हम बोलते हैं। यूनिट नंबर दो की बात करें तो यूनिट नंबर दो आपकी कवर करती है, यूनिट नंबर दो आपकी कंप्लीट करती है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और इसमें अगला चैप्टर आता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ कोसी थ्योरम। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ कोसी थ्योरम, ये पूरा चैप्टर आपको यूनिट नंबर दो में नहीं पूछा जाता, ये आपको आधा चैप्टर पूछा जाता है यूनिट नंबर दो में, और आधा चैप्टर पूछा जाता है आपको इसका यूनिट नंबर तीन में, ठीक है। यानी कि इसकी लास्ट में चार थ्योरम है जो आपकी यूनिट नंबर तीन कवर करती है, ठीक है। इसमें ये कहो हाफ एप्लीकेशन ऑफ कोसी थ्योरम, ठीक है, मतलब आधा चैप्टर तो इसमें पूछा जाता है, आधा चैप्टर ये यूनिट नंबर तीन में पूछा जाता है। और इसके साथ में जो एक और चैप्टर पूछा जाता है उसका नाम है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पावर सीरीज, ठीक है। और यूनिट नंबर चार जो आती है आपकी उसमें आता है एनालिटिक कंटिन्यूएशन, एनालाइटिक कंटिन्यूएशन, ठीक है। और यूनिट नंबर पांच में आपके आता है कॉनफॉर्मल मैपिंग एंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉनफॉर्मल मैपिंग एंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
ये आपके रहता है भाई साहब कॉम्प्लेक्स का सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं इस मैकेनिक्स की। तो देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी हो तब तो आपको ये दोनों पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, डायनेमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और उसके साथ स्टैटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि तब आपको पूरा का पूरा मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और सीकर यूनिवर्सिटी वाले के जो सिलेबस रहता है। यूनिट नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पूछा जाता है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, पहला चैप्टर तो ये रहता है। नंबर दो चैप्टर इसमें रहता है आपके रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि सरल रेखीय गति, या इसमें बात करें तो इसको बोलते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सरल आवर्त गति। यूनिट नंबर दो की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा जाता है आपको मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम, मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम, ठीक है। और एक चैप्टर इसमें पूछा जाता है आपको प्रक्षेप, यानी कि प्रोजेक्टाइल। यूनिट नंबर तीन की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर तीन में आपको पूछा जाता है सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट और एम आई एंड PI, यानी कि मोमेंटम ऑफ इनर्सिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्सिया। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, जो समांतर अक्षों की परमे है वो पढ़ा होगा, वो इसी के अंतर्गत आपको मिलेगी, ठीक है। तो यूनिट नंबर तीन, यूनिट नंबर चार आपको पूछी जाएगी, यूनिट नंबर चार और यूनिट नंबर पांच आपको पूछी जाएगी इस स्टेटिक से, ठीक है, जो आपके कवर करेगा इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स और मोमेंट्स एंड फ्रिक्शन। नंबर दो चैप्टर आएगा इसमें मोमेंट्स एंड फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। यूनिट नंबर पांच की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर पांच आपको पूछेगा नंबर एक चैप्टर वर्चुअल वर्क एंड कैटिनरी, ठीक है। ये आपका रहता है सिलेबस, जो मैकेनिक्स का सिलेबस है वो आपका ये रहता है, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर हम बात करें अलवर और भरतपुर वालों के लिए तो अलवर और भरतपुर यानी कि मत्स्य और ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के ये दो यूनिट नहीं आती, उनके ये दो यूनिट नहीं रहती, ठीक है, उनके सिर्फ ये यूनिट नंबर तीन, एक यूनिट इनको पूछी जाती है। यूनिट नंबर चार जो पूछी जाती है आपको, एक कंप्यूटर की बुक आती है सी प्रोग्रामिंग नाम से, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग नाम से एक बुक आती है, उसमें सात या आठ क्वेश्चन है, वो पढ़ लेना रट लेना, उन्हीं में से दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये रहता है सिलेबस इन दो यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तीन यूनिट सेम रहती है और वो दो जो स्टेटिक्स है वो सिर्फ इनमें चलती है। पहले क्या होता था, तीन साल पहले सिलेबस सेम था सबका, यही चार यूनिट थी, चारों यूनिवर्सिटी में सेम था, लेकिन दो तीन साल पहले राजस्थान शेखावाटी यूनिवर्सिटी वालों ने ये वाला पार्ट हटा दिया, इसकी जगह स्टेटिक्स जोड़ दिया और कहानी खत्म कर दी, ठीक है। ये एक जो फालतू सा पेपर जुड़ा हुआ था सी प्रोग्रामिंग का, इसको खत्म कर दिया। ये कंप्यूटर का पेपर होता है, फोकट के इसके 8-10 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है, 8 नंबर का पेपर होता है, ये फोकट के आपको मिलते हैं। तो ये रहा अपना सिलेबस, ठीक है। क्लासें कंटिन्यू रूप से अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर चल रही है, वहां से आप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप को ज्वाइन करें। वैसे अगर पुराने विद्यार्थी आप हो सेकंड ईयर के तो अब तक कर चुके हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो रिजल्ट का वेट ना करें, सभी पास होने वाले हो, फाइनल की तैयारी स्टार्ट कर दो, समय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अप्रैल मार्च अप्रैल तक आपकी एग्जाम होना तय है। तो मिलते हैं अपनी क्लासों के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।